लीव मत कर, लीव मत कर हिमांशु साले, तू लीव मत कर, पूरी वीडियो देख, पूरी वीडियो देख डबास भाई। जेन्युइन मस्टैंग अपनी भी ऐसी है भाई, पर ये तो भाई नया मॉडल है, हमारा पुराना है, चलो कोई चक्कर नहीं। दोनों वीडियोस देख लो, लाइन के बाद लाइन लगा दूंगा, अपने आप देख लो। और ऐसा सिस्टम होता है यहाँ पे तो भाई, खतरनाक साइड तो अपनी फुल पावर है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज तो तुम्हारा भाई सकोटी बना बैठा है, मैं अपने रूम में बैठा हूँ भाई। ये बस मॉनिटर करना होता है, एक आधा पेट्रोल मार लो बीच में, ये सिस्टम है सिक्योरिटी का। मेरे को बेर के दो बिल्डिंग, और मैं पूरे एंगल पे वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मेरी आ जाएगा कंपनी का नाम, ठीक है। और अभी ना भाई एक इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर ही बोलूँगा भाई को, भाई बहुत सही वीडियोज़ बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, कैनेडा वाले यार करके कुछ उसका चैनल है भाई का, मतलब इंस्टाग्राम हैंडल है, और अच्छे खासे फॉलोअर्स है भाई। टैक्टिकल गार्ड लगा हुआ था किसी उसमें, तो भाई ने वीडियो बनाई होगी कुछ सिक्योरिटी विक्योरिटी की, कुछ से वीडियो बनाई थी भाई का, काम पे से भी निकाल दिया। तो मेरे को तो भाई वो कांड चाहिए नहीं, इसलिए तो भाई मैं अपना वो छुपा के रखूँगा कि मैं कौन से उससे हायर्ड हूँ, मैं बताता नहीं ऐसा सिस्टम। बस ये है कि मैं आपको दिखाऊंगा मेरी साइट कैसी है, क्या काम होता है क्या नहीं होता, सब कुछ क्लियर कर दूंगा तुम्हारे लिए कि अगर सिक्योरिटी करना है तो कैसे हायर होना है, क्या हायरिंग प्रोसेस है। मैं भी बता दूंगा कि मैंने कितने टाइम में अप्लाई किया, कितने टाइम में मेरा लाइसेंस आया, वो सब बता दूंगा। बाकी ये देख लो बस मुझे काम क्या क्या करना होता है यहाँ पे। हाँ तो भाई ये सिस्टम है, आते ही ना जब हम आते हैं तो पहले एक बार हमें डिस्पैच से कॉल करनी पड़ती है कि हम लोग साइट पर पहुँच गए हैं। ये मैंने ये और ये इसलिए रखा हुआ है ताकि तुम्हें एड्रेस और मेरी कंपनी का नाम ना मिले कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे आके बताना पड़ता है कि इधर इधर हम पहुँच गए साइट पर, ये वो यहाँ से कीज़ वीज़ उठा ली, ये सब चुकी यहाँ पे। और ये रहा भाई हमारा कैमराज, ठीक है, ये कैमरा सिस्टम है। और मेरे अंडर है भाई दो बिल्डिंग, तो एक तो ये है 105, ठीक है, एक है 100 नंबर, तो मेरे को दोनों के कैमरा एक्सेस है, तो मैं देख सकता हूँ कि कहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मेरे को बस यही चेक करना है कि कुछ मतलब कोई भी मतलब जिस एरिया में मैं हूँ डाउन टाउन में यहाँ पे मतलब कैसे ये काट दे कह रहा था, बोलने में बहुत आसान लगता है भाई, पर हमें पता है भाई यहाँ पे मर्डर स्टैबिंग और बाकी सब भाई ये सब कांड बहुत नॉर्मल है यहाँ पे, बहुत नॉर्मल है, मतलब कोई भी चलता फिरता है किसी को भी स्टैब कर देगा भाई, गन शॉट्स वगैरह बहुत नॉर्मल है। और भाई यही है, मैं क्या बोलूँ भाई कि पर ठीक है भाई, काम है नहीं कहीं पर भी, तो भाई जहाँ मिल रहा है काम बस वही वाले हिसाब है कि चुपचाप करते रहो, क्योंकि मेरा स्केड्यूल ऐसा है मंडे टू फ्राइडे मैं सिक्योरिटी करता हूँ और सैटरडे संडे मैं कॉस्को, तो मतलब मैं पूरा अपना हफ्ता पैक रखता हूँ क्योंकि मैं भाई 40 घंटे से ऊपर काम कर सकता हूँ, तो फिर भी बस मेरे को 40 घंटे ही प्रॉपर मेरे पूरे होते हैं, मेरे 40 घंटे से ऊपर तो कभी जाता ही नहीं, ताकि ओवर टाइम बन जाए कुछ बन जाए, कभी नहीं होता भाई कभी भी। पर ठीक है भाई, चलो कुछ तो आ रहा है खाली बैठने से बढ़िया। और हाँ यही है, और हायरिंग प्रोसेस की बात करूँ तो ये था भाई, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं मैं नाम चल ले लेता हूँ उनका, तो मेरा तो क्या है, अलाइड हो गया, पैरागन हो गया, पैलेडिन हो गया, ठीक है, और जो भी मतलब बड़ी बड़ी लॉजिक्स हो गया, मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है भाई ये हायर नहीं कर रही हैं, वॉक इन इंटरव्यूज हो रहे हैं कुछ कुछ में हो रहे हैं, कुछ कुछ में नहीं हो रहे हैं, पर रेफरेंस के थ्रू भी भाई हायर नहीं हो रहे। आधी ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है पर वो भी मेरा मतलब रेफरेंस लगा के मेरे को नहीं लगवा पा रहा, पर भाई देख लो ऐसा ही है कि रेफरेंस से सिक्योरिटी में तो काम चलते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, तो जो मेरी कंपनी है भाई मैंने वॉक इन इंटरव्यू किया है, अगर किसी को पूछना है मेरी कंपनी के बारे में और जो कैनेडा में, मेरे को लगेगा भाई बंदा कैनेडा में, तो मैं हेल्प कर दूंगा, मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा क्या हायरिंग प्रोसेस है, किसको कहाँ पे क्या कॉल करनी है, कहाँ रेफरेंस मेरा डालना है। मेरे रेफरेंस से भी दो बंदे हायर हुए हैं, तो भाई हायर तो कर रही है मेरी कंपनी, तो अगर तुम्हें हायर होना है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाओ, मेरे को मैसेज कर दो, मैं कंपनी का नाम बता दूंगा। और हायरिंग प्रोसेस बहुत ईजी है, जाके वॉक इन इंटरव्यू दो, मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरा अभी लाइसेंस बना है, बता दो क्या करना है। उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि अगर आग लग गई बिल्डिंग में तो क्या करोगे, बस वही पहले पुलिस बुला लो, ये वो ये सब बेसिक क्वेश्चंस है जो तुम कर सकते हो, बस उसके बाद तुम हायर इजीली हो जाओगे अगर तुम्हें लगता है, मतलब वो लगते हैं। पर मेरे को ऐसा फ्लोटर हायर किया था पहले, मतलब फ्लोटर ये होता है कि तुम्हें ओपन शिफ्ट दे देंगे, एक ग्रुप बना देंगे व्हाट्सएप में, रोज शिफ्ट डलती हैं, तुम्हें अगर जाना है तुम लोग शिफ्ट कन्फर्म कर लो और चले जाओ उस जगह काम पे। मेरे को फ्लोटर हायर किया था क्योंकि परमानेंट पोजीशन पे थी नहीं, पर एक बंदा जो मेरी जगह यहाँ काम करता था उसकी है छोटी बेटी, तो उसने काम छोड़ दिया कि अपनी बेटी से वो मिल नहीं सकता क्योंकि काम की टाइमिंग्स हैं शाम को 5 से रात तक 12, तो उसकी बेटी सुबह स्कूल जाती है तो वो सो रहा होता है, वो काम पे आ जाता है तो बच्ची उसके घर पे जब तक वो पहुँचता है रात में 2 बजे तक, तो उसकी बेटी सो जाती है तो उसको मिल नहीं पाता वो, तो इसलिए उसने काम छोड़ दिया। उसने मेरे को बोला था भाई यहाँ काम कर ले हफ्ता भर,
तेरे को परमानेंट करवा दूंगा। उसने भाई मेरे को परमानेंट करा दिया, उसने काम छोड़ दिया अपना भाई। थैंक्स टू निरंजन, उसको समझ तो आएगी, नेपाली बंदा है भाई, हिंदी तो उसको इतनी आती नहीं, पर फिर भी अगर ब्लॉग देखेगा तो भाई थैंक यू भाई, तूने काम लगवा दिया। तो मैं बाकी अब आपको साइट का चक्कर दिलाऊंगा बढ़िया तरीके से कि क्या सिस्टम है, कैसे कैसे मैं पेट्रोल करता हूँ, क्या करता हूँ। हाँ तो भाई ये अपनी बिल्डिंग है और ये इसका मतलब प्रॉपर, मेरे पे मेरे अंडर दो बिल्डिंग आती है, तो मेरे को पूरा इसका एक्सटीरियर में मेरे को पेट्रोल करना है अभी। मैं मतलब स्टार्टिंग ऐसे करता हूँ कि एक बार सारा बाहर का एक बार पूरे दोनों एरिया की, और यार बार बार टी शर्ट आ जाएगी भाई, मैं ऊपर ऊपर के दिखाऊंगा। हाँ तो मैं बस पहले बार बार का सारा पेट्रोल कर लूँगा, देखूंगा कोई दिक्कत ना हो, कोई जंकीज ना हो इधर उधर, कोई ये लोग क्योंकि करते रहते हैं लोग नशे नुशे साइड साइड में बैठ के, तो मेरे को उतना ध्यान रखना पड़ता है वो सब ना करें, मेरे को उनको निकालना है। ठीक है तो ये अपनी पार्किंग वार्किंग का एरिया, बाकी एक अंडरग्राउंड पार्किंग है ये रही, तो बाकी मैं अंडरग्राउंड पार्किंग में तो मैं बाद में दिखा दूंगा कि वहाँ का पेट्रोल कैसे होता है, यहाँ से नीचे जाना है। ठीक है ये अपनी खड़ी है सिस्टम गाइस, एक बिल्डिंग ये है और इसकी छत भी ऊपर, तो वो रही उधर छत भी है, तो भाई एड्रेस आ गया होगा लग रहा है मेरे को एड्रेस, चलो काट पीट दूंगा। ये इनका डंपस्टर एरिया हो गया और अपना इधर ये घूमने फिरने का सिस्टम है भाई, इधर उधर घूमता रहता जैसे, ये पूरा हो गया अपना डंपस्टर एरिया, मैं वहाँ था अभी, बस हमें इधर इधर सारे फायर एग्जिट वगैरह चेक करने होते, कोई यहाँ पे मतलब बैठा ना हो, कोई नशे नुशे, क्योंकि ये लोग ना यहाँ डाउन टाउन वगैरह सारे ऑलमोस्ट सारे जंकीज होते हैं, तो नशे नुशे करते रहते हैं कॉर्नर पे बैठ के, हर कॉर्नर पे बैठ के होता है सीन इनका ये, तो मेरा ध्यान है बस कि ये लोग प्रॉपर्टी पे ना आए, बाकी जो मर्जी करते रहे। और बाकी अपना ये थोड़ा बहुत इधर ये पार्किंग वार्किंग हो गई, मतलब प्रॉपर एक्सटीरियर एरिया, प्रॉपर एक्सटीरियर एरिया, बस यहाँ यहाँ पे पेट्रोल करना है। बाकी इन टैग्स के ऊपर ना भाई उस तरफ एड्रेस लिखे हैं, एड्रेस सारे काटूंगा अभी तो। और ये अपना एग्जिट डोर हो गया, ये भी खुला हुआ है क्योंकि भाई गाड़ी निकली है। ठीक है तो ये अपने मतलब वही सिस्टम है अपना सेंसर्स वाला, अपने आप खुलता रहता है बंद होता रहता है, अपना लोग निकालते रहते हैं गाड़ी। और यहाँ पर अब भाई बहुत दिनों से चोरियाँ हो रही हैं, तो मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा, देख लेना कैसे ये लोग भाई यूएस की गैंग है प्रॉपर। बोलते चलो मैं बैठ के रूम में बताऊंगा क्या सिस्टम है वो, बाकी अभी सिर्फ एक्सटीरियर दिखा देता हूँ। ये अपनी बिल्डिंग है भाई सारी, यहाँ पे इधर उधर बस काटते रहो। मैं दूसरी बिल्डिंग का भी आपको मेन एंट्रेंस दिखा दूंगा, अभी मेन एंट्रेंस देख लो क्या सिस्टम है, फिर आगे बताता हूँ। हाँ तो पहले जैसे हमने आउटर सारा एक्सटीरियर में पूरा कवर कर लूँगा, और ये पूरी 11 फ्लोर की दो बिल्डिंग है, तो मेरे को दोनों का पेट्रोल करना है ऊपर से नीचे तक, मतलब 11th फ्लोर से फ्लोर बाय फ्लोर सब चेक करता हुआ कि कोई मतलब ये लोग ना क्या करते हैं जो यहाँ पे होमलेस होते हैं, ये लोग जैसे टेनेंट्स घुस रहे होते हैं ना बिल्डिंग में, तो साथ के साथ घुस जाते हैं और साले ऊपर जाके बैठते थे फिर नशे करते हैं, तो इनको हमें वो ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हमें सारा फ्लोर बाय फ्लोर चेक करना होता है, तो मैं वो सब चेक करता रहूँगा भाई। जेन्युइन मस्टैंग अपनी भी ऐसी है भाई, पर ये तो भाई नया मॉडल है, हमारा पुराना है, चलो कोई चक्कर नहीं। तो अपना ये हो गया दूसरी बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस, ये 100 नंबर है इस पर, तो यहाँ से एंट्री है इसकी। बाकी अभी ऊपर मैं फ्लोर बाय फ्लोर भी सारा करूँगा तो भी दिखाऊंगा, बाकी अभी सिर्फ तुम पहले एक्सटीरियर दिखा दिया तुमको, ये सिस्टम बस हमें चेक करना है कि कोई यहाँ पे हो ना एक्सटीरियर पे, तो बाकी कोई फिर दिक्कत नहीं है, अपना नॉर्मल चलता रहेगा। अपना जाकर रिपोर्ट बना दूंगा कि मैंने सब एक्सटीरियर देख लिया, कोई नहीं था, कोई भी नहीं, मतलब परेशानी कोई नहीं है, सब बढ़िया है। बाकी तो चलो ऐसे ही चलता रहता है, मिलते हैं आगे और दिखाऊंगा क्या क्या सिस्टम है। तो भाई देख लो मैं ना सीधा मतलब लिफ्ट विफ्ट पकड़ के 11वें फ्लोर पे पहुँचा, 11 पेट्रोल कर लिया, 10वां ये रहा। ये ऐसे जैसे यहाँ से चेक करना पड़ता है कि मतलब यहाँ कोई सीढ़ियों में ना बैठा हो, देख लिया ये रहा अपना 9th फ्लोर, ये देखो ऐसे सिस्टम है, ये ऐसे पूरा पेट्रोल करना पड़ता है कि मतलब देखना पड़ता है कि मतलब यहाँ कोई बैठा ना हो या कोई कुछ शोर शराबा ना कर रहा हो। ठीक है और बता देता हूँ, जो मैं छत की बात कर रहा था, छत है इनकी 9th फ्लोर पे, लोगों की होती है, लोगों की छत होती है 11वें फ्लोर पे, इनकी है 9th फ्लोर पे, तो अच्छा ही होगा सिस्टम। तो देख लो थ्री वे रास्ता है, इधर उधर सब जगह से कटता है, तो ये है छत, मेरे को छत पे भी देखना है कि मतलब यहाँ पे मतलब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे दारू दूरू पी रहे होते हैं, छोटे मारते हैं, गाने वाने चलाते हैं, तो मेरा काम है कि बाकियों को डिस्टर्ब ना हो, तो उनको जाके बस मना करना कि बाकियों को डिस्टर्बेंस हो रही है, तुम नहीं कर सकते ये सब काम। तो ये भाई इनका छत का एरिया है, ये मुझे भी ये भी पेट्रोल करना होता है, ये देखो भाई भी तो पूरा पानी भरा हुआ है क्योंकि दो दिन से बारिश हो रही है, बढ़िया 24 घंटे पूरे बारिश हो गई, ये इनका छत का है भाई, बहुत अच्छा। रात में जब मैं बोर वोर हो जाता हूँ, मैं यहाँ ऊपर आके बैठ जाता हूँ भाई, यहाँ पे बढ़िया चेयर वेयर डाल रखी होती है इन्होंने बच्चों ने, इनके साथ ही आके थोड़ी बात बात कर लेता हूँ, और बस यही है, बस यही अपना इधर सारा मैं पेट्रोल मारते रहो। वो बाहर का नीचे का पूरा एक्सटीरियर एरिया हो गया, मैं इधर नहीं जा रहा क्योंकि सब पानी हो रखा है, तो भीग जाऊंगा मैं इतने में, नहीं उधर नहीं जाऊंगा। हाँ तो ये सिस्टम है, ये पूरा सूख जाएगा 2-4 दिन में, सब नॉर्मल, तो देख लो बस गाइस यही सिस्टम है। और ये रही रॉजर्स की बिल्डिंग, तो समझ आ जाएगा जो लोग यहाँ रहते हैं कि मैं किस एरिया में काम करता हूँ। डाउनटाउन में बिल्कुल बराबर कोर डाउनटाउन है ये,
तो चलो बस पेट्रोल तो यही है भाई, 10 फ्लोर वही सारे फ्लोर्स हैं, अब एक एक करके दिखाऊंगा, कोई फ़ायदा है नहीं, कोई होगा तो है नहीं, तो बस ऐसे तुम्हें बताना था, मैं आ गया ऊपर बताने कि हाँ ऐसे पेट्रोल होता है, फ्लोर बाय फ्लोर पेट्रोल करना पड़ता है। तो बस ठीक है फिर, तो आगे बने रहो, दिखा देंगे और कुछ थोड़ा बहुत होगा कोई कांड, तो बाकी पुराने कांड जो हुए हैं वो मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा। पहले एक स्टैबिंग भी हो चुकी है यहाँ पर, पुलिस वाले आए थे भाई गेट वेट तोड़ के घुस गए थे, वो सब भी नॉर्मल है, सब डाल दूंगा एक ही वीडियो में, सारी सिक्योरिटी वाली वीडियो एक साथ हो जाएगी, देख लेना। और वीडियो को तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करो भाई, पहले रुको लाइक करो भाई, तुम वीडियो लाइक नहीं करते, लाइक करो, देखते भैंसो 300 देने 400 देने पर भैंसो लाइक कोई नहीं करता, लाइक करो यार वीडियो, लाइक करोगे तो ही तो रीच आएगी, रीच आएगी तो जल्दी जल्दी फिर पैसे बनेंगे यूट्यूब से, हम तो लालची आदमी हराम का खाने वाले हैं भाई, हराम के ही पैसे आने दो, जल्दी जल्दी अपना करो ताकि हराम के पैसे मेरे आने चालू हो जाए। तो बस वीडियो को पहले लाइक कर दो और आगे बढ़ो वीडियो में, आगे बने रहो, लास्ट तक देखने सबको। मैं ना रिकॉर्ड करना भूल गया था, वो है पार्किंग का एंट्रेंस, वहाँ से मैं ऊपर से खोल के वहाँ से अंदर आ गया, वो साइड मैंने पूरी चेक कर ली, बाकी बस मेरे को ये चेक करना होता है कि मतलब यहाँ पे बेसिक चीज़ें चेक करनी है कि कहीं से पानी की लीकेज ना हो, ठीक है, क्योंकि पाइप्स लगी हुई हैं सारी वाटर पाइप्स में, तो अगर यहाँ पे प्रॉपर फ्लड फ्लड वाला सीन होता है तो ये लोगों को बस ये चेक करना होता है कि ज़्यादा पानी वानी ना जा रहा हो और कोई नीचे हो ना, जो मतलब कोई होमलेस वगैरह ना हो, ऊपर से पानी गिर रहा है, तो बस मेरे को यहाँ पे इंसिडेंट रिपोर्ट, अगर ये ज़्यादा लेवल पे होता मतलब यहाँ प्रॉपर पानी पानी हो गया होता तो बस मेरे को बस वहाँ पे फिर मेरे को इमरजेंसी में कॉल करके बतानी पड़ती उनको कि इमरजेंसी है यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लडिंग हो रही है और आना, वो लोग आके अपने फिक्स कर लेते, पर अभी बहुत थोड़ा थोड़ा है तो मेरे को इतना बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है 2 दिन से, शायद बारिश की वजह से भी हो सकता है, बाकी स्टिल मैं एक बार फिर भी मैंशन कर लूँगा, बस यही है वीडियो में। और बाकी जो मैं तेरे को बताना था कि वो जो क्या कलेशबाजी हो रही है हमारी बिल्डिंग्स में, वो आपको आप बता दूंगा, आगे वीडियो में लगे रहना, बस वो अब इसके बाद वही बताऊंगा, देख लो। बाकी लाइक करो यार वीडियो, लाइक करो भैंचो, पिछली वीडियो में बोला वीडियो रुको और लाइक करो, पहले लाइक करो, आगे जो फैलाओ यार वीडियो फैलाओ, शेयर वेयर मारो खूब सारे। बस बताता हूँ आगे क्या सीन हुआ है हमारी बिल्डिंग में, 2 केस हुए हैं, दोनों केस बताऊँगा हुए क्या, और प्रॉपर वीडियोज़ हैं वीडियो के साथ, इतना चिल काम होता है बीच बीच में, देखो जैसे टीम वीम भी आ जाती है, तो जब खाने पीने का दोनों भाई, तो इसीलिए भाई सिक्योरिटी का काम मेरे को इतना बढ़िया लगता है, अपना बीच में आओ कुछ खाना पीना आके अपना बढ़िया ले जाओ, वापस मैं काम पे चल रहा हूँ, वापस बस सामने गाड़ी खड़ी कर रखी है उधर बोरी, अरे कहाँ गई, हाँ उधर गाड़ी खड़ी है, बस अब गाड़ी उठाऊँ और वापस जा रहा हूँ, फिर बात अपना बैठ गया भाई गाड़ी वाड़ी में, सामान खाने पीने का ले लिया अपना, और अब जा रहे हैं वापस काम पे, ठीक है, अपना ऐसी सिस्टम है भाई, खाना पीना लेते रहते हैं बीच बीच में आके, क्योंकि यहाँ पे कोई चक्कर है ना, मेरे अंडर ही है साइड, तो मेरे को ध्यान रखना होता है सबका, तो मैं अपना भी तो ध्यान रखूंगा, सबका ध्यान रख रहा हूँ, तो अपना भी कुछ खाने पीने का लाता रहता हूँ मैं, इसलिए बस ऐसा ही है, ड्राइव कर लूँगा पहुँच जाऊँ, फिर बाकी का तुम्हें स्टोरी बतानी थी ना, स्टोरी बताऊँगा घर वहाँ पहुँच के आराम से काम पे, बस 5 मिनट और सफ़र कर लो, पहुँचा मैं अब। हाँ तो भाई वापस आ गया भाई अपने रूम पे, तो ऐसे कह रहा हूँ पता नहीं क्या हो, वापस आ गया भाई अपने रूम में, फिर वही कह रहा हूँ, चीयर्स गाइस। हाँ तो मैं जो केस बता रहा था ये हुआ था, यहाँ पे ना बहुत चोरी हो रही है हमारी वाली बिल्डिंग में, चोरी इन द सेंस, और चोरी किस चीज़ की भाई, कैडिलैक कन्वर्टर की, जो गाड़ियों में तो कैडिलैक कन्वर्टर, जो गाड़ियों का ज़्यादा जानकारी रखते हैं उसको पता होगा, नॉर्मल किसी बंदे को पता होगा कैडिलैक कन्वर्टर क्या होते हैं, तो ये सीन है भाई, अपने कैनेडा से US का बॉर्डर तो लगता ही है, तो ये लोग ये चुतियाप करते हैं भाई, रात में गाड़ी लेके आते हैं 5-6 जने, वीडियोज़ के बाद मैं लगा दूंगा, छोटी सी क्लिप लगा दूंगा, करते क्या हैं भाई, गाड़ी लेके आते हैं अपनी हमारी बिल्डिंग में, पता नहीं ये लोग कैसे घुस जाते हैं भाई, इन्होंने बहुत चुकी भाई, बहुत दिमाग लगाया इन्होंने, प्रॉपर वायरिंग छेड़ के गेट एग्जिट गेट परमानेंट खोल देते हैं, और सेंसर्स के वहाँ पे एक सिगरेट का पैकेट लगा देते हैं खाली, मतलब कोई भी पेपर, ताकि वो सेंसर को ऐसा लगे कि गाड़ी पास होती जा रही है, तो वो खुला रहता है भाई, वहाँ से अपनी गाड़ी डालते हैं, 2 पेज खोले अपना सिस्टम, कैडिलैक कन्वर्टर निकाल के, और रातों रात भाई US, रातों रात US भाई, वहाँ बेच बाच के फिर वापस आते हैं भाई, ये 3 दिन तक काम चल रहा, तो हमने देख लिया, तो हम लोगों को अलाउड नहीं है भाई, हम सिक्योरिटी वाले, हमें अलाउड नहीं है इनको जाके रोकना टोकना, हमें अगर दिख गए हैं तो हम अपने भाई, अब हम अपना पहले वो सेफ्टी पहले रखते हैं, तो इस चक्कर में भाई हम सिर्फ पुलिस बुला लेते हैं, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते, पुलिस वाले आके अपने आप देख लेते हैं, तो जो नाइट गार्ड है, अरे रात में होता है, रात में 2-3 बजे और 7:30 बजे तक भाई ऐसे चल रहा होता है सिस्टम, और राइट वाला सिक्योरिटी गार्ड लिख देता है अपने रिपोर्ट में कि मैंने पेट्रोल किया है भाई, अगर वो पेट्रोल करता ना तो उसको दिख जाता ये हो रहा है, और वो जाके पुलिस को बुला लेता है, पर उसको नहीं पता। अगले दिन भाई मैनेजमेंट ने सुबह पुलिस बुलाई, तो पता चला वहाँ पे कि ऐसा ऐसा सिस्टम है भाई, नाइट गार्ड क्या कर रहा था भाई, नाइट गार्ड के चलो लगे जो लगे, देख लो ऐसे ऐसे होता है, मैं दिखा दूंगा। और दूसरा केस ये हुआ था कि यहाँ पर ना ऊपर मेरी वाली बिल्डिंग में 105 नंबर में
दो बिल्डिंग है 105 और 100, तो 105 वाले में 11th फ्लोर पे भाई कुछ दिन पहले पुलिस वाले आए, पूछे चाबी है रूम की, मैं कहा नहीं, कह रहे कोई स्पेयर की हो या कोई जॉब एंटर कर सके, मैं कहा नहीं, उनके पास भाई अरेस्ट वारंट था भाई, वो खोल खाल के अंदर घुस गए और प्रॉपर भाई गन शॉट हुआ, मेरे को अलाउड नहीं था रिकॉर्ड करना भाई, फिर भी मैं देखो अपने सिस्टम पे बैठा था कैमरे पे भाई, मैंने यहाँ से सब रिकॉर्ड कर लिया, तो जो जो रिकॉर्ड है दोनों केस दिखा दूंगा। उसका केस ये था कि भाई कोई बंदा था क्रिमिनल था और वो यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहता था, मतलब दो लड़के थे गे थे दोनों साथ में रहते थे, तो जो एक बंदा था उनमें से क्रिमिनल था वो, और वो अभी अभी तो पुलिस वालों ने उसको अंदर कर रखा है, पर वो अपने यहाँ बंदे के पास रहता था, तो उसके घर की चेकिंग होती है कि उसके घर में उसका तो कोई सामान नहीं पड़ा जो जो अभी अंदर है, उसका तो कोई सामान नहीं है कोई, मतलब कोई ड्रग्स व्रग्स में कुछ करता हुआ डील वो, तो वो चेक करने आते हैं, तो भाई हम पे चाबी नहीं थी तो वो तोड़ ताड़ के घुस गए, तो ये सिस्टम है। Yes. भाई फुल पावर अरेस्ट चालू है आज, एक सिस्टम दोनों वीडियोस देख लो, लाइन के बाद लाइन लगा दूंगा अपने आप देख लो, और ऐसा सिस्टम होता है यहाँ पे, तो भाई खतरनाक साइड तो अपनी फुल पावर है, ऐसे चलता है अपना, पर ठीक है भाई चल रहा है, चलो काम तो मिल रहा है। और रही बात खाने की, तो भाई आज ज़्यादा पनीर की भुर्जी, बढ़िया अपनी रोटी इसमें है, हमने गर्म करेंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी तो भाई हम ये सब बीच में खाने पीने का तो लाते ही रहते हैं, तो ये सिस्टम है भाई, ये अच्छी बात है। यहाँ भाई दो दो फ्रिज दे रखे हैं, यहाँ एक अवन दे रखा है, यूज़ करना है प्रॉपर हमारा, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव दे रखा है, ये अपना कॉफ़ी मेकर है, जो करना है मतलब सब कुछ रूम में फिक्स है, दो दो पंखे लगा रखे हैं भाई, यहाँ नीचे एसी चल रहा था अपना बढ़िया, तो अच्छा सिस्टम है भाई, बहुत अच्छा बना रखा है मेरा रूम, तो मैं तो ज़्यादातर पेट्रोल वेट्रोल करके मैं रूम में ही रहता हूँ, मैं ज़्यादा घूमता फिरता भी नहीं हूँ कहीं, तो बस यही है, अपडेट करना था भाई कर दिया, घर से बना के लाते हैं भाई खाना, कोई टिफिन का सिस्टम तो लगवा नहीं रखा भाई, हमें बनाना आता है भाई, हम बनाते हैं, बना के अपना खाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, तो बस वीडियो देखते रहो, रुको मत, यहाँ क्विट नहीं कर, लीव नहीं करनी, पहली सुअर के बच्चे तुझे कह रहा हूँ, लीव मत कर, लीव मत कर हिमांशु साले, तू लीव मत कर, पूरी वीडियो देख, पूरी वीडियो देख डबास, पूरी वीडियो देख उसके बाद हटाइयो। हाँ तो कोई कहाँ था मैं भाई, यहीं था, कहाँ जाऊँगा, यहीं हूँ कमरे में, कहाँ जाना है मैंने, तो मैंने भाई अब आँखों में आने लगी नींद बहुत ज़ोर से, तो मेरी शिफ्ट भी ऑलमोस्ट ख़त्म है, 20 मिनट बचे हैं, दूसरा बंदा आने वाला होगा रिलीविंग ऑफिसर, एक बार वो आ जाए फिर मैं निकलूँ घर, 15-20 मिनट की ड्राइव है, और भाई ड्राइव करे घर पहुँचेंगे, आँखों में से देख भाई ऑलरेडी पानी आना चालू हो गया है, और घर जाती सोऊंगा खाना खाती, और आज भाई घर पर बनाया बड़ा राजमा चावल भाई, और क्या कहना था, हाँ ये वीडियो तो अच्छी होगी, ये वाली तो छोड़ो कॉस्को वाली भी अच्छी थी, सारी वीडियो अच्छी है भाई हमारी, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सी स्टाम, पीस।